हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खासकर उन सारे बडिंग आर्टिस्ट के लिए जिन्होंने इस साल MAH AAC CET की एग्ज़ाम दी है। मैं भी आप सब में से एक ही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दी है इस साल। और मैं भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि महाराष्ट्र में कौन से कॉलेजेस है जो कि फाइन आर्ट्स के डिग्री कोर्सेज या फिर बैचलर या डिप्लोमा ये सब प्रोवाइड करते हैं, और कौन से कॉलेज कहाँ पर है, इनकी फ़ीस कितनी है, ये सब भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हमारे सीईटी का जो रिज़ल्ट है वो 6 तारीख को आने वाला है, तो मैं उससे रिलेटेड भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगा। मैं अपने मार्क्स भी आपको रिवील करूँगा, और मेरी ड्राॅइंग्स भी जब आ जाएगी मेरे पास फ़ोटोज़, तो मैं अपने ड्राॅइंग्स की भी फ़ोटो अपने चैनल पर दिखा दूँगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं उसको। एंड बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने नंबर 1 पर जो कॉलेज रखा है वो है सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट। तो जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट की खास बात क्या है कि इस कॉलेज ने जो फाइन आर्ट्स का सेक्शन है और अप्लाइड आर्ट्स का सेक्शन है टोटली अलग अलग बिल्डिंग्स में अलॉट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इस कॉलेज की। और ये जो कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, एंड अपने महाराष्ट्र में नंबर 1 कॉलेज में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम आता है। तो ये कॉलेज बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसकी फ़ीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, इसमें BFA इन अप्लाइड आर्ट्स की जो डिग्री है वो 4 साल की डिग्री है, और इसकी फ़ीस लगभग 26,800 रुपये है टोटल 4 साल के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एक आर्ट कॉलेज के हिसाब से, पूरे 4 साल की डिग्री के सिर्फ 26,800 रुपीज़ कुछ फीस पड़ती है अप्लाइड आर्ट्स की। और ये जो जे कॉलेज है ये मुंबई में है, और मुंबई में कैंपस भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली स्कल्पचर के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम इसके आगे फाइन आर्ट्स की जो सेक्शन है उसकी भी बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स को। तो ये जो कॉलेज है ये पुणे में है, और इसी कॉलेज में मेरा CET का सेंटर भी लगा था जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दी थी अपने CET की। तो ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, ऑल ओवर महाराष्ट्र में नंबर 2 पे आता है ये कॉलेज, और ऑल ओवर इंडिया में भी टॉप 10 में आता है ये कॉलेज। एंड इस कॉलेज की खास बात ये है कि ये इसका कैंपस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही यूज कैंपस है इसका, बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं खुद वहाँ जाके एक्सपीरियंस करके आया हूँ। सिर्फ वहाँ पर फाइन आर्ट्स के नहीं, चारों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर मेडिकल से लेके इंजीनियर से लेके सारी बिल्डिंग्स अलग अलग सेपरेट बनी हुई है। तो उन सब के बीच में ये भारतीय विद्यापीठ का बहुत ही बड़ा कैंपस है, वहीं पे हमारा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स भी है। तो इसमें भी BFA की जो डिग्री है बैचलर डिग्री वो आप कर सकते हैं, उसकी फ़ीस पर ईयर कुछ 1,20,000 के आसपास पड़ती है टोटल 4 साल के लिए। तो नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 पे मैंने फिर से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को रखा है, जो कि फाइन आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग स्कल्पचर मेटल वर्क वो सब हो गया, उन सब की यहाँ पर BFA की डिग्री आपको मिलेगी बैचलर डिग्री। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में BFA की जो डिग्री है उसका पर ईयर 8,500 रुपीज़ फीस है, और जो मास्टर इन फाइन आर्ट्स है उसकी 30,000 रुपीज़ पर ईयर फीस है। एंड डिप्लोमा कोर्स जो है वो 15,000 रुपये पर ईयर है। एंड इस कॉलेज में आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी मिलता है, जो कि आप कर सकते हैं 15,000 रुपये में, ये पूरे कोर्स की फ़ीस है। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है डॉ.D.Y.पाटिल कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट पुणे। तो ये कॉलेज भी पुणे में है, एंड इस कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है BFA के लिए। ओपन वालों के लिए अराउंड 1 लाख कुछ जाता है इसका फीस, OBC के लिए 55,000, एंड SC के लिए ये जाता है 3,292 रुपीज़ तक।
ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की फ़ीस मैंने बताई है, पर ईयर ये इतना फीस लगता है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज ही है, इस वजह से इसकी फ़ीस थोड़ी हायर है। नंबर फिफ्थ पे मैंने रखा है रचना संसद कॉलेज मुंबई। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि मुंबई में है। इसमें BFA की पर ईयर फीस अराउंड 41,000 रुपीज़ है। इसका भी बहुत ही अच्छा कैंपस है और ये मुंबई में है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स की तरफ। नंबर सिक्स पे मैंने रखा है विवा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, जो कि वसई विरार में है। वसई विरार में ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका कैंपस बहुत ही अच्छा है, इन्वायरमेंट इसके कॉलेज के आजू बाजू का बहुत ही बेस्ट है। एंड ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इसमें BFA इन अप्लाइड आर्ट की जो फीस है वो 80,000 से 1,00,000 तक जाती है पर ईयर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर सेवन की तरफ। नंबर सेवन पे मैंने रखा है BS बांदेकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट सावंतवाड़ी। तो ये जो कॉलेज है ये सावंतवाड़ी में है। BFA इन अप्लाइड आर्ट्स की फ़ीस जो है इस कॉलेज में वो है 51,420 रुपीज़ पर ईयर। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर भी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिल जाते हैं। उसकी एग्जैक्ट फीस मुझे पता नहीं चल पाई, तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर एट पे मैंने जो कॉलेज रखा है वो है गवर्नमेंट चित्रकला महाविद्यालय। ये नागपुर में है। यहाँ पर BFA इन अप्लाइड आर्ट्स की जो फीस है वो है कुछ 7,870 रुपीज़ पर ईयर, और MFA की जो फीस है वो 10,000 पर ईयर है। एंड इस कॉलेज में भी आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसकी फ़ीस के बारे में मुझे पता नहीं चल पाया, आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर नाइन पे मैंने जो कॉलेज रखा है वो है MGM फाइन आर्ट्स कॉलेज औरंगाबाद। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि औरंगाबाद में है। इसकी जो इसमें जो BFA कोर्स है उसकी फ़ीस 1,00,000 रुपीज़ पर ईयर है, एंड MFA की जो फ़ीस है वो 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर है। एंड इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आपको मिलता है, उसकी फ़ीस कुछ 30,000 है पूरे कोर्स की। एंड एक एडवांस डिप्लोमा है इस कॉलेज में, उसकी जो फीस है वो 45,000 पर ईयर है। तो सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपने उस कॉलेजेस की फ़ोटोज़ भी देखी होंगी। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि JJ हर एक को मिलता नहीं है। JJ में एडमिशन होना बहुत ही टफ है कि वहाँ पे सीट्स भी कम है प्लस बाकी फ़ीस भी कम है, तो ज़्यादातर बच्चे वहीं पर अप्लाई करते हैं। तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से रिज़ल्ट आता है आप सबका, तो मैं रिज़ल्ट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ मैंने 9 ही कॉलेज की बात की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 10th कॉलेज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा कॉलेज इस लिस्ट में होना चाहिए था। एक्चुअली मुझे टॉप 10 कॉलेजेस की नाम मैं ढूंढते मुझे 10 कॉलेजेस पता नहीं चल पाए, तो मैं सिर्फ 9 कॉलेज के ही नाम डाले हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा कॉलेज है और कहाँ पर है, एंड वो इस लिस्ट में कौन सी प्लेस होल्ड करता है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर आती रहेगी, तो बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।